आप सभी कैसे हैं बच्चों? मैं जानती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बच्चों, मैं कौन हूँ आपकी हिंदी वाली मैम? मेरा नेम क्या है? मिसेस प्रियंका। तो मैं आपको आज हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के कुछ और अक्षर सिखाऊंगी। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मिलकर वीडियो को देखते हैं। चम्मच। बच्चों, चम्मच बहुत तरीके की होती हैं, बहुत अलग अलग आकार की होती हैं। इससे हम खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। ये किससे आती है? च से। तो च से चम्मच। छतरी यानी कि छाता, जिसको हम इंग्लिश में अम्ब्रेला बोलते हैं, वो कैसे लिखा जाता है? छ से छतरी। जहाज। बच्चों, बहुत तरीके का होता है, पर हम मेन तरीके से दो तरीके से जानते हैं, या तो पानी वाला जहाज या आसमान में उड़ने वाला जहाज। तो जो जहाज है उसे कैसे लिखते हैं? ज से। जहाज। झ से झरना। जो बच्चों नदी पहाड़ों पे से गिरती है, जो ऊंचाई से पानी गिरता है, उसको बोलते हैं झरना। वो कैसे लिखा जाता है? झरना। तो आपने देखा ना, झरना। ये है बच्चों या। क्या है? या। टमाटर जो है बच्चों, वो सब्जियों में डाला जाता है, इसका सूप भी बनता है, इसका सॉस भी बनता है। तो ये लिखा जाता है ट से, टमाटर। ये रेड कलर के होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। ठटेरा यानी कि जो बर्तनों को सही करता है, जो बनाता है, उसको बोलते हैं ठटेरा। यानी कि जो पहले और अभी भी जो डाक के द्वारा सामान आता है, वो डाकिया लाता है। ढोलक यानी जिसके द्वारा मनोरंजन करते हैं हम लोग, जैसे गाना गाते हैं, डांस करते हैं, उसको बजा के इंजॉय करते हैं, तो वो है ढोलक। ये किससे लिखी जाती है? ड से, ढोलक। ये है बच्चों अड़ा। क्या है? अड़ा। बच्चों, आज हमने हिंदी वर्णमाला के कुछ और अक्षरों को जाना, जिनसे आने वाले शब्दों को हमने सीखा। तो बच्चों, आपको पसंद आया? वेरी गुड। तो आपने एंजॉय किया है ना? गुड। तो बच्चों, आगे का हम आगे की क्लास में सीखेंगे। ओके, बाय बाय क्लास।